शुरू करते हैं। आज की हमारी ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है। महीना हो गया, 30 दिन गुजर रहे हैं, क्या हो रहा है, कहाँ हमारा टारगेट है, हमने क्या प्लान किया था, क्या सोचा था और क्या निकला। तो आज की जो ट्रेनिंग है उसको देने के लिए हमारे पास जो लीडर मौजूद हैं वो मेरी मेरे अगेन बड़ी दफा बता चुकी, मेरे बहुत करीब हैं, मेरी फैमिली की तरह हैं, मेरे बच्चों की तरह हैं और मेरे वन ऑफ द वेरी ओल्ड मेरे मेंबर्स में से एक मेंबर हैं। किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, लाहौर से इनका ताल्लुक है, सिद्रा अजमन उनका नाम है। मैं चाहूंगी कि सिद्रा आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए और ट्रेनिंग को शुरू कीजिए। जी सिद्रा आप हमें सुन सकते हो? अस्सलाम वालेकुम। जी जी अपना छोटा सा बेटा इंट्रोडक्शन। बस मुझे ये बता, आपको मेरी आवाज सही आ रही? जी आ रही है। जी सिद्रा बेटा आपकी आवाज आ रही है, कट कर आ रही है। थोड़ी सी मेरा नाम सिद्रा अजमन। बेटा ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। बोलो बोलो। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा अजमल है, जैसे आप सब लोग ही अब तकरीबन मुझे जानते हैं। मैं ओरिफ्लेम की बहुत पुरानी लाडली और अच्छी मेंबर, लाडली अच्छी इसलिए कह रही हूँ कि मैं चाहती हूँ मुझसे भी ज्यादा लाडले और अच्छे मेंबर्स हमारी टीम में से बाहर आए और उस को करने के लिए हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और इसी को हम आगे लेके चलेंगे। मैंने ओरिफ्लेम से बहुत कुछ कमाया, नाम, शोहरत, इज्जत, दौलत, पैसे, हर चीज, ख्वाब पूरे किए, वो ख्वाहिशें पूरी की जो शायद अपनी बेस पर या अपने बिहाफ पर मैं पूरी नहीं कर सकती थी। वो मेरे ख्वाब थे जो कि मेरे लिए अचानक पूरे होना बिल्कुल इंसान को वो झटका लगने की तरह है जैसे आपको लगे कि सुबह आप उठे और आपकी एक लॉटरी निकल आई है। और मेरी सिचुएशन जब जब मैंने आउट ऑफ कंट्री के ट्रिप किए, गोल्ड कॉन्फ्रेंस के लिए गई, वो ही सिचुएशन थी जो मैं आपको बता रही हूँ कि एक लॉटरी निकलने वाली बात जिसने मुझे बिल्कुल हिला कर रख दिया कि ये भी हो सकता है। जो कि मोस्टली लोग ये कहते हैं नहीं फ्रॉड होगा ये वो, मगर मैंने ये चीजें अपनी आंखों से देखी हुई है। मैं आपके सामने एक जिंदा मिसाल हूं उसकी कि अगर आपको कोई प्रूफ मैम हुमैरा या बड़े बड़े लीडर्स के अलावा चाहिए हो तो मेरे से कॉन्टेक्ट करके वो 110% वो ले सकते हैं। क्योंकि बात ख्वाबों की थी तो वो मेरे बहुत पूरे हुए, अगर बात पैसों की करूं तो मैंने बहुत कमाए, बात मैं इज्जत की करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है उस काबिल नहीं हूं जितनी अल्लाह ने इज्जत दी है। और अल्लाह पाक के करम से ही आइंदा भी इंशाल्लाह मेहनत करते हुए आगे बढ़ूंगी और आप सबके साथ मिलकर चलूंगी। ये थोड़ा सा मेरा तारुफ था। जिंदगी रही तो ओरिफ्लेम कभी नहीं छोड़ सकती। मेरे घर वाले कहते हैं कि मेरे तो शायद ब्लड देखें तो वो भी ग्रीन होगा क्योंकि मुझे ओरिफ्लेम से इतनी मोहब्बत है कि कुछ हो या ना हो मैं ओरिफ्लेम करती रहूंगी। मगर ओरिफ्लेम करने के लिए मुझे बहुत सारी चीजों की, बहुत सारे साथ की और बहुत सारे ताल्लुकात की जरूरत है। वो है हमारी टीम, हम आप सब मिलके। उसके लिए हमें जहां अपने ख्वाब पूरे किए, मैंने खुद पैसे कमाए, मैंने खुद अपना नाम बनाया, तो वो भी मेरी सपोर्ट, मेरे साथ, मेरी लर्निंग, मेरी चीजों को सीख के करना और बताना और पूछने का प्रोसेस सारा गुजरा है। क्योंकि मुझे ओरिफ्लेम करने में इल्हाम तो बिल्कुल नहीं हुआ था कि जी गायब का कोई इलम था और मैंने फटाफट से कर लिया, या मुझे कोई लॉटरी वाली ही सिचुएशन थी कि मैं सुबह सोई और सुबह मेरा एक टिकट और एक वीजा मेरे घर पर आ गया। उस सारी चीजों के लिए जो चीजें मैंने सीखी हैं, की हैं और मुझे सिखाई गई है, उसमें आपके आपके दिल में वो रिस्पेक्ट होनी चाहिए, आपके अंदर सीखने वाली पावर होनी चाहिए, आपके अंदर वो लगन होनी चाहिए कि मुझे फलां चीज हासिल करनी है तो वो मिल जाती है। और अगर वो चीजें ना हो तो वो चीजें नहीं मिलती, फिर वो ख्वाब ख्वाब रहते हैं और वो चीजें कभी भी पूरी नहीं हो पाती। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन अपनी लाइफ का इसलिए दे रही हूं कि आपको आइडिया हो सके कि हर कोई सब चीजें ले सकता है। मैंने अपनी लाइफ में इतना सच्चा और इतना साफ सुथरा बिजनेस नहीं देखा जिसमें हम आगे बढ़े और हर कदम पे जो कंपनी कह रही है उसके बेनिफिट्स ले सकें।
कहीं पर कुछ फेक, कहीं पर कुछ झूठ, कहीं पर कुछ फ्रॉड मुझे तो आज तक नहीं मिला। मतलब मुझे बहुत लोग मिलते हैं फेसबुक पे, इधर उधर सोशल मीडिया पर, कहते हैं हमने छोड़ दिया अब ये वो। उसकी रीजन ये है कि हमारा अपना माइंड सेट नहीं है, हम खुद डिवाइड हुए हैं और हम लोग डिफरेंट जगह पे फंसे हुए होते हैं। हम वो टाइम वो एनर्जी नहीं दे पाते, जिसकी वजह से हम लोगों को वो चीज फेक लगती है और वही चीज दूसरे लोगों के लिए बेस्ट बन जाती है जो उसको फोकस होकर कर रहे होते हैं। ये एक मेरी छोटी सी स्टोरी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। और अगर मैं आज की ट्रेनिंग की बात करूं तो उसमें जो ट्रेनिंग का ये वाला हिस्सा, ये मेरा बहुत फेवरेट है, इसलिए कि मेरी बेस थी ये। मुझे मेरे स्पॉन्सर ने जो जो कहा, जैसे जैसे कहा, मैंने वैसे वैसे ही किया। लेकिन मतलब अगर मैं आपको अपनी सिचुएशन बताऊं तो मुझे अक्सर लोग कहते थे धूप में कहे ना, मतलब मेरी टीम के लोग कहा करते थे मुझे कि अगर हमारा कामरान कह देना कि मई जून के महीने में सिद्रा सारा दिन तुमने धूप में खड़ी होना है, तो सिद्रा आंखें बंद करके धूप में खड़ी हो जाएगी। और वाकई ही मेरी ये सिचुएशन थी। मेरा बिलीव इतना अपनी स्पॉन्सर पर, मैं ये नहीं कह रही कि आप उस बिलीव को अपने स्पॉन्सर में देखें या आप चेक करके देखें उस चीज को कि मेरा ट्रस्ट लेवल जो है वो कभी कभी भी टूटेगा नहीं आपका, जो अल्लाह करे कभी मेरे साथ भी ऐसा नहीं हो। कि मैंने देखा है कि जो चीज मैंने उनसे पूछी, जो मशवरा मैंने उनसे लिया, जो ट्रेनिंग मैंने उनसे ली, जो उन्होंने कहा मैंने उसको फॉलो किया, तो कामयाबी जरूर मिली। और वो कहा और उसकी वैल्यू मेरे लिए बहुत है। वो इसलिए है कि जब आपके पेरेंट्स एक रोड, एक घर, एक फैमिली को लुक आफ्टर कर रहे हैं, तो जो अजियतें, जो प्रॉब्लम्स, जो तकलीफें वो उठा रहे हैं, वो अपने बच्चों को उससे सेफ रखते हैं। ओरिफ्लेम भी सेम वैसा ही बिजनेस है। आपका स्पॉन्सर आपके माँ बाप का काम करता है और वो बिल्कुल उन चीजों से अपने बच्चों को सेफ रखना चाहता है जिससे वो खुद जिन तकलीफों से गुजरा है। और वो चाहता है कि बहुत जल्दी जल्दी मेरी टीम ग्रो करे, ऊपर आए और मैं उसको कामयाब देखूं। और उसकी कामयाबी पर जो कैश अवार्ड, जो पैसे उनको मिल रहे होते हैं, वो स्पॉन्सर के लिए गुरूर मान फखर होते हैं। और उस गुरूर मान फखर से ही ढेरों सारी चीजें हमें मिल जाती हैं। जरूरी नहीं होता कि वो पैसे हमें मिले, जरूरी नहीं होता वो टाइटल उनकी वजह से हमें मिले। मोस्टली लोग ये कहते हैं कि जाहिर है मैं ऊपर आऊंगी तो आप भी ऊपर आएंगी ना। तो ये इतना बुरा जुमला है, क्योंकि जो लोग ये बोलेंगे, आप उम्मीद रखें आप उम्मीद रखें कि ना वो कामयाब होंगे ना वो आपको कामयाब कर होने देंगे। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं अपने लिए, तो आप अपनी बारे में सोचें और सही फैसला करके सही काम करें। आप कामयाब करना चाहते हैं किसी को, तो उसको अपना समझ के सही राय दे दें। नसीब उसका, मेहनत उसकी, कामयाबी उसकी, वो हासिल कर लेगा। उसमें करने के लिए सबसे जरूरी चीज आ जाती है आपकी टीम का बनना, आपका ग्रो करना, आपका लर्न करना। और उस लर्निंग प्रोसेस से गुजर कर जब आप टीम बनाते हैं और उस टीम को आपने लेकर चलना है, वो कैसे कैसे लेकर चलना है, वो चीजें बहुत बार बहुत सारे लीडर्स ने बहुत कुछ अपनी ट्रेनिंग्स में सिखाया, बताया, सब कुछ मुझसे ज्यादा अच्छा नॉलेज होगा बहुत सारे लोगों के पास ट्रेनिंग्स में, डिलीवर करने में, लोगों को सिखाने में, बताने में, क्योंकि हर इंसान के पास बहुत सारी खूबियां होती हैं। मुझे फॉलो अप इसलिए पसंद है कि मुझे लगता है मेरी कामयाबी का राज ही फॉलो अप में है। मैंने फॉलो अप किया, मैं कामयाब हो गई। मैंने लोगों को बिल्कुल वैसे सही बताया जैसे मेरी स्पॉन्सर मुझे बताती थी। मैंने कामयाबी एक ही साल में डबल ट्रिपल टाइटल में देखी, अपनी आंखों से देखी, अपने हाथों से रिसीव की और अपने हाथों बल्कि दुरुस्त करना है। दुरुस्त करने के लिए हमें अपने एंगल्स को दुरुस्त करना है। एंगल को दुरुस्त करने के लिए हमें करना क्या, हमें पता होना चाहिए हमें किस किस टाइम क्या क्या काम करने है। अगर हम एक सिंगल मेंबर हैं, हमने कैसे ऑर्डर प्लेस करना है, हमने कैसे प्रोडक्ट यूज करनी है, हमें उस प्रोडक्ट का कितना नॉलेज है, हमने वो नॉलेज आगे फॉरवर्ड कैसे करना है, हमने टीम कैसे जनरेट करनी है, हमें टीम जनरेट करने के लिए कितनी चीजों की चीजें दरकार हैं, यानी हमें कहाँ कहाँ से टीम मिल सकती है, हम कहाँ कहाँ से दूसरे को फॉलो कर सकते हैं, हम कहाँ कहाँ से चीजों को पिक कर सकते हैं, हम कैसे लेकर चल सकते हैं। इन सब चीजों के अलावा जब आपके पास टीम आ जाती है और वो टीम काम नहीं कर रही होती, तो फिर कहीं ना कहीं
आप कह लें कि थोड़ा सा फॉल्ट हमारा भी हो जाता है, क्योंकि हम सही मैसेज नहीं कन्वे कर पाते, हम सही बात नहीं पहुंचा पाते। हमें अपनी बात को सही पहुंचाने के लिए उनके साथ एक राब्ते का रखना जरूरी है। राब्ता होगा, आप उनकी प्रॉब्लम्स को सुनोगे, आप उनकी उनको सॉल्व करके दोगे, तो वो खुद ब खुद चीजों को बैलेंस करने लगेंगे। जब चीजें बैलेंस होने लगेंगी तो उनके टाइटल्स अप होने लगेंगे, उनकी टाइटल अप होने लगेंगे तो वो इनकम भी जो है वो अचीव करने लगेंगे। इनकम इंक्रीज होगी तो उनकी सब चीजें बैलेंस हो जाएंगी। अब उन सब के लिए हमारा एक स्केड्यूल होना जरूरी है, एक हमारी टाइमिंग होनी जरूरी है, एक चीज को फॉलो करने के लिए हमारे पास वक्त की दरकार होना जरूरी है, हमारे पास सोशल मीडिया की चीजें होना जरूरी है, हमारे पास कैटलॉग का होना जरूरी है, हमारे पास ज्वाइनिंग के बारे में इंफॉर्मेशन जरूरी है, हमारे पास ट्रेनिंग के बारे में इंफॉर्मेशन जरूरी है, जो कि हम लेना ही पसंद नहीं करते हैं। मतलब मैं अपनी टीम की बात करूं तो वो ये समझे कि आधे लोग तो ये समझते हैं कि हमने बहुत जितनी हमने डिग्री ली है ना एजुकेशन की, तो वो सारी डिग्री में ही हम सारा बिजनेस सीख के आए, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो है या नहीं है, मगर हमने सीखा हुआ है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बिजनेस से रिलेटेड ट्रेनिंग्स लेकर आते हैं और जिनकी बातों से मैं अपने लिए बहुत सारे क्लू निकाल लेती हूं कि मैं ये वाली बात पर काम करूं तो मुझे फायदा हो सकता है, तो वो लोग बार बार सीखते हैं। अब आपको ये जज करने के लिए अपने आप को एक चीज में ढालना पड़ेगा, वो ये होगी कि आपको अपना एक स्केड्यूल मेंटेन करना है। आपने खुद सोचना है कि मैंने किस टाइम किससे बात करनी है। मैं अगर एक सिंगल मेंबर हूं तो मैंने कैसे अपनी फैमिली के लोगों से बात करनी है, फ्रेंड सर्कल से बात करनी है, कोलीग से बात करनी है, मैंने नेबर के लोगों से बात करनी है, मैंने कजन्स के साथ बात करनी है, और अगर मेरी टीम जनरेट हुई हुई है तो मैंने टीम के साथ कैसे बात करनी है। आप उसको डिवाइड करेंगे डे बाय डे या वीकली, या आप उसको अपडेट रखेंगे कैसे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और उस कैजुअल को फॉलो करना और उस पे लोगों को वो चीज वो मैसेज कन्वे करना वो एक अमानत बन जाती है जो हमें डिलीवर करनी है। जब वो अमानत हम डिलीवर ही नहीं कर पा रहे तो हम तो खुद ही खयानत कर रहे हैं। जो खयानत कर रहे हैं उसमें हम लोगों को क्या रिवॉर्ड मिलेगा और क्या इनकम मिलेगी। उसके लिए जो स्केड्यूल मेंटेन करना है वो आपने खुद अपना करना है, जो कि हमें नेक्स्ट मंथ यानी हमें अक्टूबर का स्केड्यूल अभी बना लेना है। अब 25 है आज और उस स्केड्यूल को बनाएंगे हम अक्टूबर के लिए। उसमें अपनी टीम के लोगों के नाम लिखेंगे, हमने किसको फॉलो करना है, हमने किसे ट्रेनिंग लेनी है, हमने किसको ट्रेनिंग डिलीवर करनी है, हम उनको कैसे लेके चलेंगे, सब बातें आपके पास नोटेड होनी चाहिए। अब तो बहुत सारी फैसिलिटीज आ गई, बहुत सारी एप्स आ गई, आपका मोबाइल फोन आपके लिए एक डायरी बन चुका है, आप उसमें लगाएं अलार्म लगा लें, आपको रिमाइंडर मैसेज आता है, आप उस पर कर लें कि जिंदगी बहुत मसरूफ है तो मैं भूल गई थी, ये वाली बात तो बहुत कम हो गई। क्योंकि हम रिमाइंडर लगाएं तो हमारे पास मैसेज में ही सारी चीजें आ जाती हैं, बहुत इजीली उसको कर सकते हैं। हमने अगर मैं एक न्यू पर्सन हूं तो मुझे काम करने के लिए लोगों की जरूरत है, और वो लोग आपके इर्द गिर्द हैं जिनको नौकरी चाहिए। कोविड ने जो तबाही मचाई है उसके बाद जो तबाही मची वो ये कि लोगों के पास पैसे नहीं है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के पास इनकम नहीं है, इन्वेस्ट करने के लिए कुछ नहीं है, अच्छी से जॉब खतरे में है अभी भी, और बेशतर लोगों ने तो लोगों को निकाल दिया गया और वो इतने डिप्रेशन में है कि हम कैसे कमाई करेंगे। मतलब मैंने इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग देखे। आप अगर सत्या जारिया समझकर लोगों के ऐसे लोगों की नाम की एक लिस्ट बनाते हैं जो आपके इर्द गिर्द हैं और उनको जॉब चाहिए, और आप उनको एक अच्छा मैसेज कन्वे करते हैं, अच्छी टॉकिंग करते हैं उनके साथ, अच्छी मीटिंग करते हैं उनके साथ, अच्छे वर्ड्स का यूज करते हैं और उन्हें बात समझ आ जाती है, तो आपके लिए भी अच्छा और उनके लिए भी अच्छा। लेकिन उसको समझने और समझाने के लिए जरूरी बात यह है कि आपके अपने पास नॉलेज हो, आपके पास अपने पास वो लिस्ट तैयार हो कि आपने उनसे क्या और कैसे बात करनी है। लेकिन जब मैंने ओरिफ्लेम ज्वाइन किया था तो मैं ये कहती होती थी कि मेरी फैमिली के अलावा ना तो मेरी कोई फ्रेंडशिप है इतनी लोगों से, और ना मैं दोस्तियां लगाती हूँ, और ना मुझे पता है कि ये कैसे होगा सारा काम। मुझे एक हमारी उस टाइम एसएम होती थी सलमा तबस्सुम, उसने मुझसे ये लिस्ट बनवाई, और उसके बाद उससे पहले ये लिस्ट मुझसे मैम हुमैरा 5 दफा बनवा चुकी थी। 5 दफा ये लिस्टें बनवाने के बाद 6ठी बार उन्होंने बनवाई, और उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि देखो तुम्हें करना क्या, तुमने लोगों से बात कर ली, लोग तुम्हारी बात नहीं सुनते, लोग आना नहीं पसंद करते, सारे इश्यूज मुझे समझ आते हैं, लोगों को प्रोडक्ट बहुत महंगी लगती क्योंकि ब्रांड है, ब्रांड हमेशा महंगा होता है, लोग कपड़े महंगे से महंगे पहन लेंगे, खाना महंगे से महंगा खा लेंगे,
प्रोडक्ट महंगी से महंगी यूज कर लेंगे, लेकिन अगर आप किसी को बताएंगे तो उन्हें बहुत महंगी लगेगी, क्योंकि उससे महंगी वो यूज करेंगे वो नहीं लगेगी, आपकी बात बहुत महंगी लगेगी। आपने उनको शो करनी है अपनी कैटलॉग, अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी, अपनी प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज, अपनी चीजें, उनको इनवाइट करना है अपनी किसी मीटिंग में जिसमें वो इंटरेस्टेड हो और उनको अटेंड करवानी है। उसके बाद आपने उनसे रिव्यू मांगना है कि आपको क्या समझ आई और क्या नहीं आई। आप उनसे एक छोटी सी 5-10 मिनट की मीटिंग करेंगे कि आपको क्या बात समझ आई और क्या नहीं आई। अब जब वो आपको ये फाइनली बताएंगे कि ये बात मुझे ऐसी लगी, ये ठीक लगी, नहीं ठीक लगी, मैं नहीं कर सकती, मैं कर सकती हूँ, मैं ज्यादा कर सकती हूँ, मैं कम कर सकती हूँ, जैसे कि हमारी कल की मीटिंग में हमारी एक टीम लीडर है, उन्होंने बताया कि उनके पास एक टीचर है जो ये बिजनेस बहुत अच्छे से करना चाहती है लेकिन उनके पास टाइम नहीं है। मेरे पास भी बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम ये काम करना चाहते हैं लेकिन लोग मोस्टली ये कह देते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। देखिए कैसी एक बात है कि मैं पैसे कमाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ मुझे 1 लाख रुपया या 2 लाख रुपया मंथली तो आए लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। तो आप मुझे बताएं अल्लाह ताला कैसे रिस्क दे सकते हैं उन लोगों को जिनके पास रिस्क कमाने की तवक्को नहीं है, हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, सोच नहीं है, लेकिन पैसा चाहिए। वो नहीं आना कभी भी, वो सिर्फ ख्याली पिलाओ है और वो ख्याली पिलाओ ही बने रहेंगे। अगर आपके साथ सीरियस लोग हैं जो आपके साथ सीरियस नोट पर काम करना चाहते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप भी उनको सीरियसली टाइम दें, क्योंकि कभी कभी बहुत सीरियस लोग हमारे इर्द गिर्द होते हैं और हम उन्हें टाइम नहीं दे पाते। जैसे मैं आपको अपनी एक बात बताती हूँ, मुझे 2-3 दिन पहले की बात है, बल्कि हफ्ता पहले की बात है, एक लड़की मिली ऐसे रेंडम ही, मैं कहीं जा रही थी तो एक जगह पे खड़े मेरी उसकी सलाम दुआ हो गई, मतलब मैं एक मार्केट में गई तो वहां मेरी उसकी सलाम दुआ हो गई। हमने नंबर एक्सचेंज कर लिया, उसको जॉब की बहुत सख्त जरूरत थी और नंबर एक्सचेंज करने के बाद हमने मैसेज पर थोड़ा बातचीत की वैसे नॉर्मली। उसने मुझे कहा आप मुझे बताइएगा, मैंने कहा जी ठीक है मैं आपको अपने ऑफिस इन्वाइट करूंगी तो आप आइएगा। अब मैंने उसको एड्रेस सेंड करना था, मैं आपको अपनी गलती बता रही हूँ, मैंने एड्रेस सेंड करना था और उसने टाइम देना था, उसने ऑफिस आना था, मैं भूल गई, मेरे जहन से ही निकल गया। और वो लड़की 3 दिन मेरा इंतजार करती रही, 3 दिन के बाद उसने मुझे मैसेज किया कि आपने मुझे एड्रेस सेंड करना था और मैंने आना था। मैंने उससे सॉरी किया, उसको बुलाया। आप बिलीव करेंगे कि उसको मैंने बुलाया, उसने ऑन द स्पॉट ऑफिस आकर ऑफिस देखकर ही ज्वाइनिंग कर ली, सिर्फ ऑफिस देखकर। उसको ऑफिस इतना पसंद आया कि उसको अगली बात करने की फुर्सत ही नहीं मिली। उसने मुझे कहा मुझे बस पता चल गया, अब मैं क्या बात करूंगी वहां जहां उसको देख कर यकीन आ गया। ज्वाइनिंग के बाद मैंने उसकी गेटिंग स्टार्टर की, बैठकर वहीं पर उसको बताया कि ये फाइल तुम्हारे इस काम की और ये सारी चीजें, इसमें पेपर तुम इस तरह यूज करोगी, इसको हम ये कहते हैं। एक छोटी सी ट्रेनिंग थी 10-15 मिनट की, मैंने वहीं पर उसकी नेम लिस्ट बनवाई, उसको मैंने कहा, उसने कहा मैं फ्री हूं लेकिन आप मुझे गाइड करें मुझे करना क्या है। मैंने कहा तुम्हें इस तरह करना है कि तुम्हें इस तरह अपने साथ लोग देखने और उनको अपने साथ सेटल करना है। उसने बोला ठीक है। आप बिलीव करेंगे कि मुझे, उसने कहा अगर आप माइंड ना करें तो मैं 1 घंटा यहाँ बैठ सकती हूँ। मैंने कहा आप 2 बैठे हैं, हम आपको क्यों मना करेंगे। 1 घंटे के अंदर अंदर उस लड़की ने 100 BP का ऑर्डर कलेक्ट कर लिया अपने ही सर्कल से, और कोई उसने ये बेचने या खरीदने की बात नहीं है। बात ये जब आप प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करा रहे हो तो बहुत सारे लोग बिजनेस इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा बहुत सारे लोगों को, और बहुत सारे लोगों को प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना। अब उसने मुझे कहा कि मैंने ये बीपीस तो इकट्ठे कर लिए हैं, ऑर्डर तो डाल दिया है, मैं पेमेंट कैसे करूंगी। मैंने उसको बोला या तो तुम सीओडी करा लो अपने घर पर और जब तक इन लोगों से पेमेंट मंगवा लो, या फिर तुम ये करो कि एक दिन रुक कर ऑर्डर कर लो। कहती नहीं आप ऑर्डर डाल दें, मैं पेमेंट का भी कुछ करती हूँ, जिसके पास कुछ भी नहीं था। अब उसने वहीं बैठे लोगों को बोला कि आप मुझे कोई जैज कैश करा सकते हैं या मैं किसी को भिजवा देती हूँ प्रोडक्ट ले ले और पेमेंट कर दें कैसे भी करके मैनेज करके। उसने मुझे कहा 1 दिन बाद मैं ऑर्डर पिक करने आ जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। उसने ऑर्डर भी पिक कर लिया। अब उसके पास अपनी टीम के लिए 3 लोग रेडी हैं, मगर उनको उसने टाइम स्पेस दी ये कि आप मुझे अपना NIC अपना सब चीजें सेंड करें, और मुझे उसने पूछा कि अगर आप माइंड ना करें तो मैं इन लोगों को फर्स्ट पर ज्वाइन करा लूं ताकि थोड़ी सी और नॉलेज हो जाएगी फर्स्ट तक, और ये लोगों मेरी टीम अच्छी स्ट्रांग बन जाएगी, मैं नहीं चाहती कि मुझे छोड़ कर जाए।
मैंने उसको कहा ठीक है जैसे आपको बेहतर लगा, मैंने उसको कोई बर्डन नहीं दिया कि नहीं नहीं यार मेरे लिए लालच पड़ जाए कि ये तीन लोग तो मुझे ज्वाइन करा दो ना, तुम अभी अभी बाकी देखी जाएगी, तुम अभी ज्वाइन कराओ। मैंने उसको इतना रिलैक्स रखा कि ठीक है, क्योंकि मुझे पता चल गया वो सीरियस बंदी है, सीरियस नोट पर काम करने वाली है, मैं उसके साथ ज्यादती नहीं कर सकती, मुझे ये लगता है। अब यहाँ पर एक और बंदी है, उसको भी मैंने ज्वाइन कराया, इसी तरह मुझे रेंडम किसी से कॉन्टेक्ट मिला सोशल मीडिया से, उसको मैंने ज्वाइन कराया, तो उसने 500 रुपीज देना इतना रोना डाला कि मैं मेरा दिल ही नहीं कर रहा उसको डील करने को दोबारा। मैंने उसको कहा ठीक है आप इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट है, मैं हर चीज आपको फॉरवर्ड करूंगी, मैसेज भेजूंगी, जो आपको पूछना हो आप पूछ सकती हैं। मैंने आपको दोनों कंडीशंस बताई हैं, चूज करना आपका काम है, रास्ता आपके सामने है, दिखाना हमारा काम है, गाइड करना हमारा काम है, चलना आपको पड़ेगा। चलने के लिए वो बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे लोग आपके साथ खड़े हैं, आपके बाजू आपकी ताकत बन के, जो आपको हाथ पकड़ के एक ब्रिज क्रॉस कराएंगे। उस ब्रिज को क्रॉस करने के लिए आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, बस कदम आगे बढ़ाने की और ट्रस्ट करने की, यकीन रखने की, बिलीव रखने की, तो हम बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। तो ये एक जरूरी चीज हमारे बिजनेस में सबसे ज्यादा कि हमें नेम लिस्ट बनानी है, नेम लिस्ट बनानी और लोगों को टैली करना है कि हम लोगों के साथ कैसे चल सकते हैं। जब हम लोगों के साथ चल सकते हैं, लोग हमारे साथ चल सकते हैं, तो हमें खुद ब खुद आइडिया हो जाता है कि हमने किस बिजनेस, अपने बिजनेस को किस एंगल में लेकर जा रहे हैं। हमारा काम सिर्फ ये है कि हम उन्हें गाहे ब गाहे फॉलो करें, हम उनको चेक करें, हम ये भूले ही नहीं कि हमने उनको चेक नहीं करना। मैंने ज्वाइन करा दिया, मैंने ऑर्डर करा लिया, मेरी कहानी खत्म हो गई, मैंने छोड़ दिया, मैं भूल गई, वो कहाँ गई, वो किससे मिली, वो कब मिली, वो क्यों मिली, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा मकसद था 100 BP कराना, वो मैंने करा लिया, मेरा मकसद हो गया पूरा, अब मैंने उसे छोड़ दिया एक समंदर में धक्का दे के, अब वो जहां मर्जी जाए, मेरा काम पूरा हो गया। लेकिन वही बंदी आपको 10,000 BP भी दे सकती है, वही बंदी आपको एक कामयाब लीडर बन के दिखा सकती है, वही बंदी आपका नाम अपने नाम के साथ रोशन कर सकती है। सो उसके लिए उसको जरूरी है फॉलो करना, उसको गाहे बगाहे छोटे छोटे टारगेट देना, उसको छोटी छोटी ट्रेनिंग्स देना। सो आपने ये वाली बात तो कभी भूलनी नहीं है ना कि हमने अपनी टीम को फॉलो करना है। हमने जब तक हम अपनी टीम को फॉलो नहीं करेंगे, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी नेक्स्ट स्लाइड के मुताबिक अगर हम चीजों को फॉलो करते हैं, जैसे ही हम फॉलो करेंगे, तो फॉलो करने के लिए जरूरी है कि हमने एक टारगेट तैयार किया है आज, एक स्केड्यूल बनाया है आज, और उसको हम आगे अपनी टीम में फॉरवर्ड करें, अपनी टीम में लेकर चलें, बताएं लोगों को तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारा ये काम है, तुमने ये करना है, और मुझे आपसे ये रिजल्ट भी चाहिए। जो आपके साथ सीरियस है, जो आपके साथ काम करना चाहता है, वो छोटे पैमाने पर, वो बड़े पैमाने पर है, वो डायरेक्टर लेवल पे, वो मैनेजर लेवल पर है, वो आपके साथ 369 पर है, वो आपका सिर्फ ब्रांड पार्टनर है, वो आपको रिस्पॉन्स कर रहा है, तो इट्स मीन वो सीरियस है और हम उसको साथ चलेंगे। तो उसको चलने के लिए आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है कि कम से कम आप उसको, मैं 5 दिन के बाद कोशिश करती हूँ कि एक बंदे को, अगर मैंने फर्स्ट को कॉन्टेक्ट किया या हमने 30 को सबने मिलकर स्केड्यूल बनाया, हमने फर्स्ट को एक मीटिंग किया, तो हम 5 तारीख को दोबारा आपस कॉन्टेक्ट करें। आप 5 को नहीं कर सकते, आप 10 को कर लें, 10 के बाद 15 को कर लें, 15 के बाद 25 को कर लें, तो आपको अपडेट रहेगा, सब कुछ तो आपको ऑनलाइन दिख रहा है कि कौन कितना कैसे कब क्या काम कर रहा है। आपने इसको फॉलो करना, और फॉलो करने के बाद आपकी टीम एक अच्छी सूरत में आ जाती है। लेकिन टीम को अच्छी सूरत में लाने के लिए आपको जरूरी है सिलेक्शन करना कि मेरी टीम में लोग कितने हैं और कौन रिस्पॉन्सिबल है, मैं किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकती हूँ। देखिए हमारे पास दुनिया, हमारे पास कॉन्टेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा है। अगर मैं ये कहूँ मेरे कॉन्टेक्ट्स ही नहीं है, ये तो अब के आज के दौर में सबसे बड़ी झूठी बात होगी, इसलिए कि आज के दौर में हर बंदा बहुत लोगों को जानता है। कोई आदम बाजार बंदा होगा ना, जो सिर्फ जानवरों से मोहब्बत करता होगा, वो भी कोई 200-250 लोगों को जानता होगा। 200-250 लोगों में से क्या 10 लोग भी आपके साथ नहीं आ सकते? आ सकते हैं। अब गाइड करने की जरूरत है, फॉलो करने की जरूरत है, उनका चेक एंड बैलेंस करने की जरूरत है, उनकी नीड को चेक करने की जरूरत है। उसमें आपने प्रॉपरली गाइड किया तो आपके पास आप ही के सर्कल में से लोग ज्वाइन कर लेंगे आपको। देखिए अगर आप 10,000 लोगों को जानते हैं, तो 5 लोग भी आपको ज्वाइन करते हैं उस सर्कल में से, तो वो आपको बहुत ज्यादा आगे लेके जा सकते हैं।
उनको आगे ले जाने के लिए उनके ख्वाबों को पूरा करना जरूरी है, उनकी नीड्स को पूरा करना जरूरी है। और आपका ये सर्कल बढ़ते बढ़ते इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि आपने कभी सोचा भी नहीं होता कि आप कहां से कहां पहुंच गए। हम जहां एक या दो लोगों पे मुनस्सर होते हैं या चार लोगों पे मुनस्सर होते हैं, वहां मेरे जैसी बंदी जिसकी कोई फ्रेंड नहीं थी, सिर्फ मेरी कजन्स हैं या मेरी फैमिली है, जो प्रोडक्ट यूजर जरूर है लेकिन ज्वाइन करके कभी मेरे साथ वर्किंग नहीं करेंगे। मेरी 3,500 बंदे की टीम बन सकती तो आपकी क्यों नहीं बन सकती? आप खुद सोचें, आपके पास, मैं तो कहती हूँ मैरिड लोग जो है वो बहुत अच्छे हैं, उनके पास एक सर्कल होता है, उनके पास एक पेरेंट साइड है और एक इन-लॉ साइड है। अब उसमें से 10-10 बंदे आप निकालें दोनों साइडों से, 20 लोग तो आपके पास यहीं से आ गए। लेकिन आपके पास बहुत सारे टाइप के लोग होते हैं, वो लोग होते हैं जो आपको कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं, वो लोग होते हैं जो आपको बहुत पसंद करते हैं और आपके जैसा बनना चाहते हैं, वो लोग होते हैं जो आपकी खूबियों को ढूंढ के अपनी पर्सनालिटी में वो खूबियां डेवलप करना चाहते हैं। वो आपको शो ऑफ नहीं कराते लेकिन वो आपकी खूबियों को देखते हैं। हर बंदे के अंदर कोई ना कोई खूबी या खामी होती है, आपने वो चेक करनी है और वो चेक करके आपने ये रियलाइज कराना है कि ये वाली चीज उनके अंदर है और ये नहीं है और इसको वो बेहतर कर सकते हैं। आपकी नियत साफ है दूसरे के लिए तो आपके लिए आसानी अल्लाह ताला ने पैदा करनी है, उस बंदे ने नहीं करनी। आपने उस बंदे के लिए फैसिलिटीज पैदा करनी है, आसानियां पैदा करनी है। और आसानियां पैदा करने के लिए जरूरी नहीं कि हम किसी के घर में पैसे देने चले जाएं, हम किसी को कोई सपोर्ट करने चले जाएं। आसानियां पैदा करने के लिए सबसे बड़ी बात यह कि आप दो लफ्ज किसी के लिए अच्छे बोल दें, अच्छा मशवरा दे दें, उसकी अप्रिशिएशन कर दें, उसको उसकी कारकर्दगी के मुताबिक उसको आगे और बढ़ने वाली चीजें दे दें। वो सारी चीजें जो आप उसको बताएंगे उसे वो अच्छी लग रही है और वो आगे बढ़ रहा है, तो आपके लिए कितनी आसानी अल्लाह ताला पैदा करेंगे। क्योंकि ये तो हमारा मजहब भी कहता है कि तुम रास्ता बनाओ किसी के लिए, तुम दूसरे के लिए आसानियां पैदा करो, तुम एक नेकी करो 10 नेकियां खुद ब खुद आपके अमाल में आ जाती हैं। तो ये बिजनेस, ये गोरे तो हमारे ही चीजों से फायदा उठा रहे हैं, तो हम इनसे फायदा क्यों नहीं उठा सकते? तो जब आप ये जज कर लेंगे कि आपकी टीम में कौन सा बंदा इतना रिलायबल है कि आप उस पर ट्रस्ट करें, आप उसको आगे लेके चलें, आप उसको गाइड करें, और आपने ट्रस्ट करके उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, आपने उसको फॉलो किया, आपने उसे चेक एंड बैलेंस किया और उसे टारगेट दे दिया। अब इतनी बड़ी दुनिया है, दुनिया इतनी बड़ी है, मैं दुनिया की बात नहीं करती, मैं दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान की बात करती हूँ। मेरा एक छोटा सा सवाल है, कौन जानता है कि पाकिस्तान की आबादी आज कितनी है? मेरा ये सवाल आपसे है कि कौन जानता है कि पाकिस्तान की आबादी आज कितनी है, मतलब कितनी तादाद में हम लोग हैं पाकिस्तानी, कितनी तादाद में? कोई एग्जैक्टली जानता हो तो मुझे प्लीज जरूर रिप्लाई करे। कोई भी नहीं? बस आपके अलावा किसी ने भी नहीं आंसर करना। करें कि हम करोड़ की आबादी में से 23 करोड़ लोगों को कंसल्टेंट बना चुके हैं, वो ओरिफ्लेम कर रहे हैं, वो सब लोगों की जरूरतें जिंदगी पूरी हो रही है। आप छोटी सी एग्जाम्पल है कि अगर इतना आपकी फैमिली मेंबर है, आपके फैमिली में 23 लोग रहते हैं, या चले 3 लोग रहते हैं आपके घर में, क्या आप 3 लोगों की जरूरत को पूरा कर रहे हैं? क्या आप 3 लोगों की डिमांड्स को पूरा कर पा रहे हैं? अगर आप 3 को नहीं पूरा कर पा रहे तो आप तो अपनी इंसानियत का, अपने रिलेशन का भी हक अदा नहीं कर पा रहे, तो फिर आप कैसे डिमांड करते हैं कि आपका हक अदा होगा और आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो आप चाहते हैं? घर को लेकर, फैमिली को लेकर, बिजनेस को लेकर हमें डिसाइड करना है कि हमें कैसे करना है। अगर पाकिस्तान की बात करूं, 23 करोड़ आवाम, इतना बड़ा समंदर है जहां से आपने अपनी अपनी रोजी लेनी है, अपनी अपनी इनकम लेनी है, और उसको इनकम को लेने के लिए डिफरेंट चीजें होती हैं जहां से हम वो
करते हैं और लेकर चलते हैं। अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की तो मेजोरिटी आबादी यंगस्टर्स पर मुनसर है। नौजवान नस्ल ने हुकूमत सिलेक्ट कर ली, इमरान खान को सिलेक्ट कर लिया, नौजवान नस्ल जो चाहती है वो चाहे तो वो कर गुजरती है। और नौजवान नस्ल आज की इतनी टैलेंटेड है कि अगर आप उनको सोशल मीडिया का आप चीजों का बताते हैं भी से बात करते हैं वो आपके आगे निकाल के रख देते हैं कि ये सारी कहानी है। मैंने अपने सामने दिन रात बहुत सारी एग्जाम्पल्स देखी। इवन मेरी बहन की मैं बात करूं उसके पास प्रोडक्ट का इतना नॉलेज है, पता नहीं किस किस बला कंपनियों का नॉलेज उसके पास रखा हुआ है। लोगों के ट्यूटोरियल्स देखती है, ट्यूटोरियल्स बनाती है, लेकिन अपनी सपोर्ट के लिए उसको अपनी बहन की सपोर्ट नहीं करनी। उसको ओरिफ्लेम का ट्यूटोरियल बनाने में शर्म आ जाती है। मैं आपको अपनी घर की बात बता रही हूँ। और सारा दिन मेकअप की कहानियां सुनना और सुनाना, उसमें डला गया, उसमें से निकला गया, उसमें फायदा कितना, उसमें नुकसान कितना, उसमें ये है, उसमें वो है। मैं बात करूंगा मुझे बोलने नहीं देती कि यहां से ये, यहां से वो है। जिसके पास इतना नॉलेज है और वो बंदा अपना काम ना कर रहा हो तो उस नॉलेज का क्या फायदा है? वो नॉलेज आप दूसरों तक ना पहुंचा सको, वो लोगों को ना बता सको। आपके पास जो नौजवान नस्ल है आप उसको एक अच्छी राह दिखाते हुए, एक अच्छा बिजनेस दिखाते हुए, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाते हुए इसमें ज्वाइन करा सकते हैं। अब क्या है, बहुत सारे लोग कहते हैं ज्वाइन तो मैं करा दूंगी अपनी बेटी को, अपनी बेटे को, किसी को भी, लेकिन मुझे ये बताएं उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। जिन्होंने पढ़ाई नहीं डिस्टर्ब करनी उन्होंने नहीं करनी, और जिन्होंने करनी उन्हें मौका चाहिए। मेरे पास 3% में आने वाला एक बच्चा जिसका आईडी कार्ड नहीं है, 9th class में पढ़ता है, हाफ़िज़े कुरान है, रमजान में वो पूरा रमजान तराबियां पढ़ाता है और अपने बाप की आईडी पर काम करता है। वो इंसान नहीं है, वो पढ़ता नहीं है, और वो अब उसकी वालदा ने उसको तर्जमा और तफसील की क्लासेस के लिए डाल दिया कि इसलिए कि वो भूले ना, चीजें रिपीट होती रहे, उसके दिमाग में रहे और वो और अच्छे से। आप यकीन करें वो 2 दिन बाद मुझे कॉल करता है, मुझसे बात करता है, और 2 दिन के बाद मैं उसको छोटी छोटी टिप्स देती हूँ बिल्कुल बच्चों वाली, और वो बच्चों वाली चीजों से मुझसे बड़ों वाले सवाल करता है। मुझे कहता पेज कैसे बनाना है, मुझे बनाना आता है, आप मुझे बता दें बस कि कंपनी की जो है वो रूल रेगुलेशन क्या है, मैं उसको फॉलो करके बना लूंगा। 9th class का बच्चा, और मैं उसके सामने खुद को नकारा समझती हूँ कि मुझे सोशल मीडिया इतना यूज नहीं करना आता जितना उसको आता है। वो चीजें मुझे कहता है अच्छा आपको डील्स चाहिए, आप मुझे 2 दिन दे देंगे मैं आपको बना दूंगा। तो आपकी नौजवान नस्ल इतनी काबिल है लेकिन उसकी काबिलियत को जंग लग रहा है। वो इस तरह से कि कुछ तालीम का भी मियाद जो डिस्टर्ब हुआ है उसकी वजह से वो फारिग रह रहे कि बिल्कुल कुंजहन हो रहे हैं, और कुछ आप उनको यूज ही नहीं करने दे रहे इसलिए कि ये पढ़ेंगे नहीं। आपने उन सब सर्कल में से लोगों को चुनते हुए उनको छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी है, और वो जब साथ आपके खड़े होंगे तो बहुत सारी चीजें कर लेंगे। हमारी जिन लीडर की मैं बात कर रही हूँ वही लीडर कल अपनी बेटी को साथ लाई थी और वो उनको सपोर्ट कर रही थी अपनी मदर को वहां। देखें आज के दौर में पैसा किसको नहीं चाहिए, फैमिली, बच्चे, सब सबको चाहिए। अगर हम उस पैसे को जमा जोड़ करके कुछ अच्छी इनकम लेना चाहते हैं, अपने लिए कोई अच्छी फैसिलिटीज करना चाहते हैं तो उसको आप बेहतर हालत में लेकर आने के लिए कुछ चीजें देते हैं। कुछ चीजें देने के लिए जरूरी चीज ये है, पैसा चाहिए तो आपको वक्त देना है, पैसे के साथ साथ आपको वक्त देना पड़ेगा, तो आपके पास जीरो जीरो पैसे से लेकर लाखों करोड़ों रुपया बन जाएगा। आप उसको लाखों करोड़ों को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको नेक्स्ट स्लाइड पर हमने बताया कि आपको पैसे के साथ साथ अपना टाइम देना पड़ता है। जो लोग पैसे के साथ अपना टाइम देते हैं और टाइम के साथ उसको यूटिलाइज करते हैं, वो छोटे छोटे पौधे लगाते हैं जो आपको एक बड़ी इनकम में ले जाए आगे। उस बड़ी इनकम को ले जाने के लिए जरूरी है कि आप छोटे पौधों की जरूरियात और उनकी टाइम टेबल और उनकी चीजों को अंडरस्टैंड करें, आप फॉलो करें उनको और उनको रियलाइज कराएं कि आपको इस चीज की जरूरत है और आप इस तरह से ये बेनिफिट्स ले सकते हैं। बेनिफिट्स के लिए वक्त और नॉलेज, दो कीमती चीजें जो आपने उन्हें देनी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमने इस तरह से निभाना है कि हमें लगे कि उनकी जरूरियात को हम पूरा कर रहे हैं।
हमने जब वक्त दिया, हमने जब छोटे छोटे पौधे लगाए, यानी जो हमारे साथ कंसल्टेंट हैं, हम उनको डेवलप करके लेकर चलते हैं एक बड़े ट्री की सूरत में, उनको एक दरख्त की सूरत में लेकर चलना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि वो एक तनावर दरख्त बने, तो हमें उनको वो चीजें बतानी है, सिखानी है, समझानी है, और उनके अंदर वो स्टेमिना होना चाहिए कि वो सीखें और फिर उसको उस पर अमल करें। अगर हमारे उस्तादों में आज तक सीखने का दम है और हमें आज तक सीखने का दम है और हमने आज तक और चीजें सुनने का दम है, तो हमारी टीम में भी वो होना चाहिए, जो कि आजकल में बहुत कम है। अब आपने अपने साथ वो लोग रखने जो यंगस्टर हों और जो चीजों को लेकर चलें। जब वो चीजों को लेकर चल रहे होंगे तो वो छोटे छोटे पौधे आपके साथ एक बड़े दरख्त की माने बन जाएंगे, और हर एक को वो इनकम जा रही होगी, हर एक को वो सपोर्ट हो रही होगी, और हर एक के साथ चीजें बैलेंस हो रही होंगी। जब हम चीजों को बैलेंस करते हैं और अपने ही सर्कल में वो लोग लेकर आते हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हैं, तो मैंने आपको लास्ट मीटिंग में एक छोटा सा टास्क दिया था, जो मेरे टास्क के फौरन बाद मैम हुमैरा ने उसके ऊपर प्रॉपरली क्लास दी कि हम नेटवर्किंग ट्री कैसे बना सकते हैं, अपने नेटवर्क का ट्री कैसे बनाएंगे। जब ट्री बनेगा तो हमें रियलाइज होगा कि हमारे पास कौन सी जरूरत के लोग और कौन से लोग हमारे साथ काम करना चाहते हैं, हम कैसे उनके साथ काम कर सकते हैं। आपको अपना ट्री जरूर बनाना है। मैम हुमैरा ने आपको प्रॉपरली क्लास दी इसके ऊपर, मैंने खुद वो क्लास अटेंड की, उसके बाद उन्होंने ऑफिशियली ले जाकर एक मीटिंग की, उसमें उन्होंने पेपर वर्क पर ये काम करवाया हमसे। हमें ये काम अगेन करना है अपना अक्टूबर के लिए, अपने स्केड्यूल और अपनी नेम लिस्ट के साथ अपने ट्री रेडी करना है, और उस ट्री को हमें ओरिफ्लेम फैमिली का हिस्सा बनाकर लेकर चलना है। जब हम ओरिफ्लेम फैमिली का हिस्सा बनाकर चलेंगे तो उसमें हमारे लिए बहुत सारी फैसिलिटीज निकलेंगी। अब अगर मैं ये बात करूं कि मैं हरफन मौला हूं, मैं सारे काम खुद कर सकती हूं और मेरी सारी चीजों में कमांड है, मैं हर चीज डिलीवर भी कर सकती हूँ, मुझे प्रोडक्ट नॉलेज भी है, क्योंकि 9 साल के अरसे में तो मुझे ये सब कुछ आ गया हुआ है, तो मेरी सिचुएशन बिल्कुल नेक्स्ट स्लाइड वाली हो जाएगी। मैं बिल्कुल आपको नेक्स्ट स्लाइड वाली सिचुएशन में दिखूंगी कि मैं हरफन मौला हूं ना, तो मेरा यही हशर हो रहा होगा, क्योंकि मैंने हर एक की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई हुई है, और मैं एक टाइम आएगा कि मेरा दिमाग बम की तरह फट जाएगा, क्योंकि मैंने तो ये रियलाइज कर लिया हुआ ना कि मैं हरफन मौला हूं और मुझे बहुत कुछ आता है, मैंने नीचे डिवाइड कुछ नहीं करना और मैंने नीचे कुछ नहीं बताना और किसी को कोई जिम्मेदारी नहीं देनी, सारी जिम्मेदारियां खुद उठानी है, उन जिम्मेदारियों के साथ मुझे आगे बढ़ना है। सो अगर यही काम मैं इस तरह से करूं कि मैं अपनी टीम में चीजें डिवाइड कर दूं, जो जिसमें टैलेंटेड है उसको वो जिम्मेदारी दूं और उससे वो रिजल्ट मांगूं और उस रिजल्ट के साथ चलूं, तो मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी और मेरे लोगों के लिए भी आसानी हो जाएगी। हम बहुत आसानी से वो चीजें लेकर आगे चल सकेंगे कि हम टाइम भी बचाएंगे, एनर्जी भी बचाएंगे, फैसिलिटीज भी बचाएंगे, क्वालिटीज भी बचाएंगे, और बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगे। उनको आगे बढ़ने के लिए छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करेंगे, और जो लोग आपके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करते हैं, आप उनको एक पावर के तौर पर अपने साथ लेकर चल सकते हैं, एक कीमती सासे के तौर पर अपने साथ लेकर चल सकते हैं, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। और जो लोग अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा पा रहे, आप उनको अपनी लिस्ट से कट करते जाएं, उनको और छोटे काम दे, अगर वो भी नहीं कर पाते तो फिर आप उनके बारे में सोचना शुरू करें कि आपको क्या करना है। लेकिन जो लोग आपके इशारे पर आपके साथ हैं, आपका भी फर्ज बनता है कि आप उनको डेवलप करें। सो अगर हम ये देखें कि हमारे पास एक टीम सर्कल है और हमने उनको कैसे लेकर चलना है, हम अगर अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखेंगे, मेरे पास एक पूरा ग्रुप है जो कि मेरे पास है, मैंने उस ग्रुप को कैसे डिवाइड करना है, कैसे उनकी चीजें लेकर चलनी है और कैसे उनको डिवाइड करना है, उनसे कैसे कमिटमेंट्स लेनी है, उस कमिटमेंट्स पर उनको टाइम स्पेस देना है, उनको ट्रेनिंग देनी है, और ट्रेनिंग के साथ हम उनको आगे लेकर चलेंगे। आगे लेकर जाने के लिए वो कामयाबी चाहिए, वो नॉलेज चाहिए, वो सारी चीजें चाहिए जो हम सबके पास हैं अलग अलग से, वो हुनर, वो टैलेंट, और उस टैलेंट पर हमने काम करना है। जब हम उस टैलेंट पे काम करेंगे और अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे, तो जो ग्रोथ हम सालों में नहीं कर पाए, हम दिनों में कर सकते हैं। हम अगर नेक्स्ट स्लाइड पर देखें, तो हमने
सोशल मीडिया में बहुत बहुत एक्सपर्ट लोग हमारे पास हैं, हम उनके साथ मिलकर चल सकते हैं। हम अपनी चीजों को बहुत ज्यादा बखेरे डालने के बजाय छोटी और शॉर्ट करके एक दूसरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर उसका रिजल्ट मांग सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे अब हम स्केड्यूल बनाएंगे, जो जैसे मैम ने कहा उस स्केड्यूल पे हम काम करेंगे और छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर जाते जाएंगे। और जो लोग हमारे साथ इसमें एग्री करते हैं वो खुद अपनी कामयाबी अपनी आंखों से देख लेंगे। जब आप अपनी आंखों से अपनी कामयाबी देखोगे तो वही चीज आप अपनी टीम में डेवलप करोगे। बात सिर्फ उस चीज की है कि हमें जो कमिटमेंट की है उस पर पूरा उतरना है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है, अपने काम को निभाना है, फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद आपने जो चीजों को मैनेज करके लेके चलना है वो बहुत ईजी है, और बस सिर्फ उसमें टाइम और चीजों को मैनेज करने के लिए आपका दिमाग चाहिए। जब अपने दिमाग से आप काम करेंगे तो बहुत सारी चीजें एक दूसरे की सपोर्ट से आसान हो जाएंगी। हम थोड़े लोगों पे काम करेंगे मगर बहुत अच्छा एनर्जेटिक काम करेंगे। अब जो जो पार्टिसिपेट करना चाहता है या आपकी नजर में कि ये बंदे को मैं अपनी स्केड्यूल में डालूंगी और ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी दूंगी तो वो पूरी करेगा, आप उसको अपने स्केड्यूल में डालें। उसके पास जो चीज नॉलेज हुनर है वो आप उसका पॉलिश करें और उसको पॉलिश करके सामने लेकर आए और अपनी कमिटमेंट्स पर आपके साथ पूरा उतरेगा। आपकी आज की हुई कमिटमेंट आपके नेक्स्ट मंथ को फोकस करेगी और हम बहुत जल्दी बहुत सारे टाइटल्स, बहुत सारी अपनी टारगेट्स को अचीव कर सकेंगे। अचीव करने के लिए अगर हम नेक्स्ट स्लाइड को देखें तो हमारा सिर्फ वो बैरियर तोड़ने की जरूरत है जो हमारे दिमाग में और दिल में बन गया। बैरियर टूटते ही हम उसको बहुत जल्दी तोड़ने के लिए जो हमने तोड़नी है। जैसे मैं यहाँ पे मिसाल दूं तो मैं बहुत सारी टीम लीडर्स को जानती हूँ जो कि अभी मैं रिसेंटली अगर बात करूं तो राबिया जावेद की, कि वो हमारे साथ सेकेंड टाइम ओरिफ्लेम में मीटिंग अटेंड करने के लिए आई और उन्होंने बोला मुझे कि मैंने ना आज फर्स्ट टाइम खुद ड्राइव करके आना है, क्योंकि मैं पहले अपने एरिया में तो ड्राइव करती हूँ लेकिन इस तरह मैं बिल्कुल रोड्स पर कभी नहीं आई और मुझे ना एक बस खौफ सा है, वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मगर एक खौफ है। तो ओरिफ्लेम ने उनका वो खौफ भी दूर कर दिया, उनके हस्बैंड की सपोर्ट ने उनका ये खौफ दूर किया। अब वो ये बैरियर तोड़ चुकी हैं, तो जब वो तोड़ चुकी हैं तो मतलब उनके लिए आना जाना इजी हो गया। अब उन्होंने अपने स्केड्यूल को फोकस करते हुए अपनी चीजों को बैलेंस करते हुए ये काम कर लेना है। काम करने के लिए बैरियर तोड़ना, प्लानिंग करना, फोकस करना, फोकस लोगों को साथ लेके चलना बहुत जरूरी चीज है। और जब आप ये काम कर लेते हैं, अपना बैरियर तोड़ लेते हैं, जहन फ्रेश हो जाता है, आपको पता होता है मेरी प्लानिंग सक्सेसफुल होगी, तो आपकी सूरत हाल बिल्कुल नेक्स्ट स्लाइड की तरह होती है कि कामयाबी हमारे कदम चूम रही होती है और हमारा जहन इतने रिलैक्स काम करने के बाद टीम वर्क के साथ बहुत ज्यादा गुड पोजीशन में आ जाता है। और एक अच्छी पोजीशन अच्छे दिमाग को बहुत कामयाब कर देती है, और उसको कामयाब करने के लिए हमें ऐसे ही लोग दरकार हैं जो सीरियस होते हैं। वो थोड़े हों मगर सीरियस हों, और सीरियस लोगों का कामयाबी ये है कि अगर वो आज आपकी बात सुनने के लिए नहीं आए, आपकी ट्रेनिंग लेने के नहीं आए किसी रीजन से, तो वो आपसे कांटेक्ट करके पूछेंगे जरूर, वो आपकी कोई ट्रेनिंग कहीं जाकर सुनेंगे जरूर, वो उसमें से नॉलेज जरूर निकालेंगे, वो आपके सवाल के जवाब में बात जरूर अपने पास रखेंगे। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और किसके साथ करना है। तो अपनी टीम्स में देखना, टैली करना और ढूंढना बहुत जरूरी है। हम बिल्कुल उस तरह है जैसे एक बंजर जमीन होती है, उस पर एक दरख्त लगा होता है जो बिल्कुल सूखा हुआ दरख्त होता है। हमारी मिसाल बिल्कुल इस नेक्स्ट स्लाइड की तरह है, जैसे एक खाली दरख्त है और उसके पास कुछ नहीं है, उसको रास्ता नहीं मिल रहा। जो रास्ता मिलता है वो इतना टूटा फूटा है कि उस पर चलने के बाद बंदे का दिमाग और दिल और सब चीजें थक जाती हैं, उसका वजूद थक जाता है और वो कुछ नहीं कर पाता। उस रास्ते को दिखाने वाला नजर ही नहीं आ रहा कि वो दिखा रहा है, वो चीख चीख के बोल रहा है इधर को नहीं जाना नहीं जाना, हम फिर भी उधर को जाते हैं। वो मिसालें दे दे के बताता है, हम फिर भी उधर जाते हैं। वो रो रो के बताता है, हम फिर भी उधर जाते हैं। वो हंस हंस के बताता है, हम फिर भी उधर जाते हैं। लेकिन जब तक हम खुद ठोकर खा के गिरते नहीं, हम लोगों को रास्ते की समझ नहीं आती।
उससे बेहतर अगर उस रोशनी को हम पकड़ लें और उस रोशनी पर हम चलना शुरू कर दें तो हम बहुत जल्दी उस सरफेस जमीन की तरह हो जाएंगे जिसमें एक फूल उगता और उसकी पूरी फसल उस फूल की खुशबू से ताजा हो जाती है और बहुत सारे फूल आपको नजर आने लगते हैं अपने अलावा निकलते हुए। उन फूलों को निकालने के लिए हमने एक काम शुरू किया है। हमने क्या मैम हुमैरा ने हमें एक टास्क दिया है जिसपे हम काम करेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मंथ से। और वो चीजें जो उन्होंने पहले मीटिंग स्टार्ट होने से पहले बताई कि अब हमारा स्केड्यूल चेंज हो गया है, हमारी चीजें थोड़ी सी चेंज होंगी, हम लोग थोड़ा टीम वर्क पर काम करेंगे और वो चीजें हम आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला अक्टूबर फर्स्ट से, और वो चीजें हम लेकर चलेंगे को टीम की सूरत में। और वो को टीम पर काम करते हुए हम अपने तमाम लीडर्स को जो कि 369 है, 12 15 18 है, डिफरेंट स्टेजेस डिफरेंट टारगेट्स देते हुए उन्हें आगे लेके चलेंगे। अगर आपने कोई भी चीज करनी है और आप उसको देखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जैसे बिल्कुल आपने स्टार्ट किया, आपने सुना सीखा और एक्ट करके दिखाया तो आप बहुत जल्दी बहुत कामयाब इंसान बनकर सामने आ सकते हैं। एक्ट करने के लिए जरूरी है आपके पास पोजीशन होना, लर्निंग होना, नॉलेज होना, डिलीवर करना, सुनना और सुनाने की पावर रखना। जब वो चीजें कॉपी पेस्ट होना शुरू होंगी तो आप बिल्कुल इस सुपरमैन की तरह दिखाई देंगे। जो कि जब हम कामयाब हो जाते हैं और खुद को समझते हैं और जब हम स्टेज पे खड़े होकर बोलते हैं, जब ओरिफ्लेम हमें ये ऑफर देता है तो हमें बहुत सारी चीजें बिल्कुल नजर आ रही होती हैं। और हर इंसान को अपनी गलतियां और अपनी खूबियों और खामियों का पता होता है। जो गलतियां हम लास्ट मंथ में कर चुके हैं, यानी अभी सितंबर में हम अक्टूबर में नहीं करेंगे, हम अक्टूबर को बेहतर से बेहतर बनाएंगे। और बेहतर से बेहतर बनाने के लिए जरूरी है कि हम अपनी स्पॉन्सर को कॉपी करें, हम स्पॉन्सर की बात को सुने, हम अपनी राय अपनी मशवरे अपनी ट्रेनिंग जरूर दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम अपनी टीम को एक बेहतर डायरेक्शन दिखाएं और उस डायरेक्शन में लेकर चलें। फॉलो अप की ट्रेनिंग मुझे इसलिए इतनी पसंद होती है कि मुझे लगता है मैं फॉलो अप ना करूं ना अपनी टीम को तो मेरा कनेक्शन खत्म हो जाता है और मेरी कामयाबी जीरो पर चली जाती है। और जीरो पर जाने के लिए मैं बिल्कुल स्टेमिना नहीं रखती, बर्दाश्त नहीं कर सकती। और इकट्ठे रहने के लिए हमें जरूरी है कि हम कॉन्टेक्ट में रहें और इंशाल्लाह ताला इसी कॉन्टेक्ट के साथ हम अपना नेक्स्ट मंथ स्टार्ट करेंगे। और आई होप कि आपको जो चीजें हम छोटी छोटी बातों में बताना चाह रहे हूँ वो आपके लिए काम आए, आपके लिए जरूरत के वक्त काम आए। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारा जो नया मिशन हमने शुरू किया उसमें हमें कामयाब करे, हमने जो नए लोग सिलेक्ट किए वो आगे चल के ग्रोथ उनकी हो और वो एक अच्छा टाइटल अचीव कर सके। आप सबका बहुत शुक्रिया। आपने सुना ये सब बातें आपने पहले भी सुनी होंगी, पहले भी की होंगी, लेकिन इसमें फर्क सिर्फ ये आया कि आपने जो एक को टीम कॉन्सेप्ट पर काम करना है उसमें ये सारे पॉइंट्स आपको काम आएंगे। अगर आपने पॉइंट्स नोट किए होंगे तो आप को टीम पे बहुत इजीली काम कर सकेंगे। और को टीम पर काम करने के लिए आपको बार बार पूछने और बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि छोटी 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 बातें हैं जो आपके काम आएंगी और आप इन्हीं बातों के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा कोई सवाल हो, कोई और चीज हो जो हम डिस्कस करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपने मेरी ट्रेनिंग सुनी। लेकिन 23 करोड़ आवाम में से 23 नए लोग निकालना हमारा काम है और उसमें से निकल पूरे पाकिस्तान में से ढूंढना हम पे डिपेंड करता है, हम उनको कैसे निकालेंगे ढूंढेंगे और उनसे कैसे काम करवाएंगे। सो इस उम्मीद के साथ के हमारी को टीम का प्रोजेक्ट जो नया हम टारगेट करके शुरू कर रहे हैं वो बहुत सक्सेसफुल रहेगा और मुझे पूरा यकीन है कि हम उससे बहुत सारी कामयाबियां हासिल करेंगे। थैंक यू सो मच सबका, आप सबने सुना, और अगर कोई चीज हम डिस्कस करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सिद्रा, बहुत बहुत आपका शुक्रिया फॉर दिस इंफॉर्मेटिव सेशन, बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था आप लोगों